गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं शिवानी व्लॉग्स। एंड या मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ मैं, क्योंकि स्टार्ट कर दो ना तो फिर व्लॉग बनता रहता है, और अगर स्टार्ट नहीं करो तो फिर वही सोचते रह जाते हैं कि स्टार्ट करना है स्टार्ट करना है। तो बस यही है। एंड अभी मैंने नहा लिया है और हेयर वॉश भी करना था आज मैंने, तो कल ऑयलिंग की थी, आपने देखा था आप मेरे वीडियो में, तो आज मैंने हेयर वॉश करना था, हेयर वॉश भी कर लिया है मैंने, नहा लिया है और लंच वगैरह मेरा सब बन गया है। आज मैंने बनाया है दाल, करेले की सब्जी एंड रोटी, और बस यही आज लंच होने वाला है। और पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है, नहा लिया है, अथर्व को भी रेडी कर दिया है। मैं आपको सुबह से लेके अभी तक का सारा अपडेट दे देती हूँ, और क्लीनिंग वगैरह मतलब सब हो गया, बस लंच करना है। एंड अभी हो रहा है आई थिंक 1 बज रहा है, एक सेकंड, अथर्व बुला रहा है मुझे, मैं आती हूँ। ना आफ्टर बाथ जो स्किन केयर होता है वो करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ एंड रिसेंटली। वैसा ये कुछ मेरा फिक्स नहीं होता है, अभी रिसेंटली जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो गाइज, मैं लगाने वाली हूँ अपने फेस पर, ये मेरा आफ्टर बाथ स्किन केयर है। एंड मैं यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी टोनर, ये विटामिन सी एंड कोकम्बर टोनर है, पोर टाइटनिंग के लिए होता है ये। एंड इसमें अल्कोहल नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है ये। तो मैं इसको रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, मेरा कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं एक ही चीज़ यूज़ करती रहती हूँ, मैं टाइम टू टाइम चेंज भी करती रहती हूँ, और ऐसा करना चाहिए एक्चुअली, कुछ भी एक चीज़ परमानेंटली यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो रिसेंटली मैं ये विटामिन सी रेंज यूज़ कर रही हूँ मम्मा अर्थ का, और या मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा। ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मतलब मैं आफ्टर 1 मंथ से और ज़्यादा हो गया तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और इसको दिन में 2 बार यूज़ करना है जैसे हम टोनर स्प्रे करते हैं। और ये स्प्रे बॉटल नहीं आता है, इसको कॉटन पैड में ले करके देन आपको अपने फेस पे रब करना होता है, बट मुझे स्प्रे पसंद है, स्प्रे करना ही पसंद है टोनर को। तो मैंने ना ये जो गुड वाइब्स के टोनर आते हैं उसका कैप मैंने इसमें लगा लिया है, और ये बहुत अच्छे इसमें फिक्स हो गया है, तो ये मेरा काम चल गया इससे। और बस जैसे टोनर यूज़ करते हैं मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, या देखिए। और टोनर जब पूरी तरह से ड्राई आउट हो जाएगा उसके बाद ही नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी, तो अभी इसको थोड़ा सा ड्राई आउट होने देते हैं। सो या गाइस, मेरा जो टोनर है वो बहुत अच्छे से ड्राई आउट हो गया है। देन मैं लेने वाली हूँ मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम, ये विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक के साथ आता है, आप देख सकते हो इसको, ओके। एंड ये रेडियंट स्किन के लिए है, इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, सिलिकॉन फ्री होता है ये, और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड होता है इनका। एंड बस मैं इसका सिरम जो है आपको 1 पंप अपने पाम पर लेना है, एंड देन आपका जो भी है वो मैंने ले लिया है, अब इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और जो भी हमें अपने फेस पर अप्लाई करना है वो नेक पर जरूर अप्लाई करना है, अपने नेक को कभी नहीं भूलना चाहिए बेचारे को, नहीं तो आपका फेस अलग चमकेगा और नेक का कलर आपका अलग हो जाएगा। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी फेस क्रीम विथ विटामिन सी, एंड ये SPF 20 के साथ आता है, ये SPF 20 के साथ आता है विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपको मतलब आप घर पर हो या फिर आप डेली सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे हो या भूल जाते हैं, मतलब ऐसा होता है, तो ये SPF के साथ आता है तो आपको उतना काम चल जाएगा अगर आप घर में हो, और आप अगर बाहर जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। सो मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ, ये भी इसका भी देखिए पंप में ले लूँगी, ओनली 1 पंप से ही काम चल जाता है बहुत ईजीली। एंड इसको अप्लाई करना है अपने पूरे स्किन पर,
सो या ये हो गया मेरा आफ्टर बाथ स्किन केयर। मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली, और मुझे यूज़ कर तो 1 से 1.5 महीना हो गया है। सीरम, फेस क्रीम एंड टोनर, ये तीनों चीज़ें आफ्टर बाथ ज़रूरी होती हैं। और सो या अभी मैं रिसेंटली मम्मा अर्थ का विटामिन सी रेंज यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा है। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, अभी लंच वंच करने के बाद। अभी मैं जा रही हूँ अथर्व को लंच करने करवाने के लिए। ये देखिए गाइस, ये आ गया है कपड़ों का भंडार। एंड सर दर्द, ये तो मतलब सर दर्द क्या, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं लगता है कपड़ों को फोल्ड करना। और ये इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे कपड़े, मतलब डेली में जो हम पहनते जाते हैं और वो वॉश करने के बाद एक कबूत में रखते जाते हैं, और कुछ दिनों से मैं नहीं कर पा रही थी। तो मतलब कुछ इतना ज़रूरी भी नहीं है, पर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ, उससे अच्छा है कि मैं थोड़े बहुत करके रख देती हूँ। तो बस मैं इसमें से आधे कपड़े लेकर आई हूँ और बस यहीं बैठ करके फोल्ड कर देती हूँ। और अभी वैसे भी फ्री थी, फ्री क्या मतलब, अभी शाम का टाइम है, कुछ ऐसा किचन में भी नहीं था करने को, तो मैंने सोचा फोल्ड कर देती हूँ। सो गाइस, मैं बना रही हूँ चाय। एंड यहाँ ये देखिए बन रही है मेरी चाय, मैंने चाय बनने कर दी थी एक्चुअली। अभी यहाँ पे बारिश हो गई है काफ़ी ज़ोर से, मौसम हो गया ठंडा ठंडा, तो बस ऐसे सोचा कि हाफ हाफ कप चाय पी लेते हैं। एंड टाइम वैसे ज़्यादा हो गया, 7:15 हो गया है, पर मैंने सोचा, शिवम से पूछा तो शिवम ने कहा ठीक है मैं पी लूँगा हाफ कप, तो हाफ कप पी लूँगी मैं भी। ज़्यादा नहीं पीती हूँ मैं भी चाय कभी, मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं पी है मैंने शुरू से, बट अब पी लेती हूँ थोड़ा बहुत। अथर हुआ तो थोड़ा बहुत पिया मैंने ठंडियों में, फिर कभी कभी पी लेती हूँ, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मुझे चाय पीना ही पीना है, और मैं उसकी यूज़ टू नहीं हूँ बिल्कुल भी। एंड या बस यही चाय मेरी बन रही है, और ना मैं वीडियो बना रही थी, मुझे मैंने कैमरा ला के यहाँ रखा और मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो ऑन नहीं है। मैं बोलती गई, पता नहीं क्या क्या मैंने बात कर ली आप लोगों से। एंड या ये बर्तन भी मैंने जो वॉश करके रखे हुए थे वो भी मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए। मैं ऐसे ये काम करते जाओ तो अच्छा रहता है, बहुत जल्दी भी हो जाता है। एंड चाय बन रही तो खड़े तो वैसे ही रहना है ना देखने के लिए, इससे अच्छा है कि कुछ काम ही कर लो। चाय बन गई, मैं पी लूँगी टोस्ट के साथ या ब्रेड। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं ब्रेड बटर से सेक लूँ, मुझे वही अच्छे लगते हैं, पर अभी अब मन नहीं कर रहा है क्योंकि टाइम बहुत हो गया। खा लूँगी तो फिर डिनर करने का कुछ वो नहीं रहेगा, पेट भर जाएगा पहले से। एंड या अभी यही है, मैं चाय पी लेती हूँ और डिनर का सोच रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ डिनर में, क्या बनाऊँ। एक्चुअली शिवम की मीटिंग वगैरह आज बहुत थी, तो बीच में शिवम को टाइम नहीं मिला। शिवम ने अभी 5 बजे खाना खाया है, तो खाना खाने का भी ऐसे ही उनका, क्योंकि अभी खाया है तो फिर ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत ही खाएंगे। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं डिनर में क्या बनाऊँ। बनाने से ज़्यादा ना सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। एंड यही है, अभी देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ उसके बाद देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने दोनों गैस पे दोनों कढ़ाइयाँ रख दी हैं। एक में मैं बना रही हूँ सब्जी, शिवम को खाना नहीं है, उन्होंने उनसे मैंने पूछा बहुत बार पूछा, पर वो बोल रहे हैं कि उनका पेट अभी भरा हुआ है, वो दूध पी लेंगे या खाना रहेगा तो कुछ ऐसे ही खा लेंगे। तो मैं बस अपने अर्थव के लिए मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा सेब टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, और एक साइड मैं अर्थव के लिए दलिया बुन रही हूँ। और बस मैंने सेब टमाटर की बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे भी हम कोई भी सब्ज़ी की ग्रेवी बनाते हैं, प्याज टमाटर के साथ मैंने वैसे ही ग्रेवी बना ली है एंड मसाले डाल करके, और बस पानी डाल दूँगी, पानी जैसे ही खोलने लगेगा। और इसमें तुरंत ही मुझे खाना था तो मैंने बस बना करके तुरंत खा ली थी, क्योंकि फिर सेव टमाटर की सब्ज़ी में क्या होता है ना, सेव तभी डालना चाहिए जब हम खाने वाले हों। तो बस मैंने इसमें सेव डाल दिए हैं और हरी धनिया पत्ते डाल दूँगी, और साथ ही साथ मैं साइड में दलिया भूनती जा रही हूँ। ये देखिए, ये दलिया भी बन गया है, और बाकी का मैं देखिए, ये रतलामी सेब हैं जो हल्दीराम के सेब आते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और बस सब्जी बन के हो गई है तैयार। अब मैं और अथर्व खा लेंगे सब्जी और रोटी, एंड बस हो गया हमारा डिनर। बस यही था, सोचा कुछ और था वैसे मैंने, पर हो कुछ और ही गया आज मेरे साथ में। मैंने कुछ और ही बनाने का आज मैं सुबह से सोच के रखी थी ऐसे।
ओके, तो आप यहाँ से ले जाके ऐसे इस पर आपको ऐसे ऐसे, हाँ इसको ऐसे होल्ड करो, रुको रुको और नीचे अच्छे से, हाँ ऐसे करो, देखो नंबर बाय नंबर करो, ये बने आप अपने। सो गाइज मैं ना कल अपना वीडियो एंड ही नहीं कर पाई, मतलब डिनर के बाद ना फिर ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, तो फिर मैं क्या सूट करती, एंड बस वही था डिनर मैंने तो कल जल्दी कर ही लिया था, तो एंड या लंच वगैरह हो गया है, कड़ी आलू की कड़ी और रोटी राइस बनाया था मैंने, यही सब था, एंड बस यही है, मैंने सोचा मैं वीडियो एंड कर देती हूँ, तो जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मैं यहीं से स्टार्ट कर पाऊँ। तो बस मैं भी अथर्व को थोड़ा सा पढ़ा रही थी, अथर्व ने नहावा लिया है, उसको खाना भी खिला दिया मैंने, अभी सोना है नहीं उसको, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको कुछ करवाती हूँ, एंड बस यही है। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे, अथर्व को भी देखो मैंने बस अंदर वेस्ट के साथ ही, वेस्ट के ऊपर ही मैंने इसको ये स्वेट शर्ट पहना दी है, और अगर आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, जो भी मेरे वीडियोस आएंगे वो आप जल्दी से जल्दी देख पाए, एंड या लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट कीजिए बताइए आपको वीडियोस मेरे कैसे लग रहे हैं। सो या मिलती हूं मैं आपसे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, अतु अतु बाय 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 बाय।